लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कोमल गुप्ता और वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। बुलेट सवार मामा भांजी को रोडवेज बस ने मारी टक्कर। बता दें, फिरोजाबाद के थाना जसराना क्षेत्र पाड़म के समीप की ये घटना बताई जा रही है और परिजनों ने बुलेट चालक को बताया है कि कासगंज में SI के पद पर तैनात है। फिरोजाबाद थाना जसराना क्षेत्र पाड़म के समीप एक रोडवेज बस ने आज सुबह बुलेट बाइक सवार मामा और भांजी को टक्कर मार दी, जिससे दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें, दोनों को घायल अवस्था में उपचार के लिए सरकारी ट्रॉमा सेंटर लाया गया, यहां से आगरा रेफर कर दिया गया। और साथ ही बताते चलें कि कासगंज में ये SI के पद पर तैनात 40 वर्षीय रामकुमार अपनी 16 वर्षीय भांजी प्रीति को लेकर बुलेट बाइक से अपने घर गुड़ा सलेमपुर नसीरपुर आ रहे थे। इसी दौरान ये थाना जसराना क्षेत्र पाड़म के समीप रोडवेज बस ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल दोनों को आनन फानन में जिला अस्पताल के सरकारी ट्रॉमा सेंटर लाया गया और ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर राहुल जैन ने बताया है कि दोनों को प्राथमिक उपचार दे दिया गया है। स्थिति गंभीर होने पर आगरा रेफर किया जाएगा। इसके कुछ देर बाद ही दोनों को आगरा रेफर कर दिया गया। उक्त जानकारी साथ आए परिजनों ने सरकारी ट्रॉमा सेंटर पर दी। फिरोजाबाद से शेखर यादव की रिपोर्ट। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिओम सिंह है। हरिओम जी, अभी एक लड़के और एक बच्ची का एक्सीडेंट हो गया, क्या पूरा मामला? ये मेरी कजिन सिस्टर के जो है देवर हैं, और वो अपनी भांजी को साथ लेकर के अपने पिताजी का श्राद्ध डालने घर आ रहे थे। अभी ऑन ड्यूटी कासगंज SI है। क्या स्थिति है, क्या कहा डॉक्टर? उनके उनकी भांजी का भी एक पैर पूरी तरह डैमेज है, उनका भी पैर एक तरह पूरी डैमेज है। खतरे से बाहर हैं ये? हाँ, ये मान लीजिए कि वो अभी खतरे के अंदर ही हैं, खतरे से बाहर नहीं है। आगरा रेफर कर दिया? आगरा रेफर कर दिया उनको, और हम लोग उनके साथ ही जा रहे हैं। एक्सीडेंट आया है, क्या मामला है पूरा? देखिए, ये पाड़म के पास इनका एक्सीडेंट हुआ है। एक महिला जिनका नाम प्रीति है और पुरुष जिनका नाम राजकुमार है, ये घोड़ा सलेमपुर थाना नसीरपुर के रहने वाले हैं, और दोनों की स्थिति गंभीर है। कई जगह फ्रैक्चर है इनके पैर में और बाह में। दोनों को पूर्ण रूप से प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है और आवश्यकता पड़ने पर उसे आगरा रेफर करना पड़ेगा। तो बता दें, कोई ऐसा ही है? देखिए, इसके बारे में मेरे को पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है। अभी तो हम चोटों को देख रहे हैं और प्राथमिक उपचार में लगे हैं।